ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर्स लंबी टनल है, लॉन्गेस्ट टनल। जब भी ये हाईवे बंद होता तो इसी एरिया की वजह से होता है, सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड इधर इधर यहीं पर ही होती है। इसी कुछ टनल क्रॉस करने के बाद आपने देखा ना कश्मीर वैली में एंटर हो जाते हैं एंड ये हाईवे आपको देखने को मिलता है, एक नंबर हाईवे श्रीनगर तक। एंड उससे भी अच्छा कि इतने अच्छे से मतलब सर्व किया, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। थैंक यू भैया, थैंक यू। So, hey guys and welcome back to my vlog channel again, मेरा नाम है परमदीप सिंह और आप सभी देख रहे हैं Paramount Wheels and इस वीडियो का टाइटल थंबनेल आप सब ने देख ही लिया होगा, कश्मीर जन्नत हिंदुस्तान, कश्मीर ट्रिप की, कश्मीर ट्रैवल सीरीज की यहां से शुरुआत में कर रहा हूं। लास्ट मंथ पिछले महीने मैं कश्मीर गया था, मैं तब अकेले गया था, सोलो गया था, ट्रेन से मैंने जर्नी कंप्लीट करी थी बट तब स्नो नहीं थी। अब सबको पता है भाई लास्ट वीक बहुत भयंकर स्नोफॉल हुआ है, गुलमर्ग सोनमर्ग में, पहलगाम में भी हुआ है, तो आने वाली वीडियोस में कश्मीर को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। इसीलिए मैं अपनी गाड़ी से निकल रहा हूँ कश्मीर के लिए, ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर्स का सफर है, बहुत रोमांचक होगा, एडवेंचरस होगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आती है इस रूट में, काफ़ी जगह काम चल रहा है, काफ़ी जगह ये जो हाईवे है जम्मू श्रीनगर हाईवे से बहुत दिक्कत होती है, सब 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 इस वीडियो में देखने को मिलेगा। रात के बज चुके हैं 8 और थोड़ा सा चक्कर भी है, फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह का लफड़ा भी चल रहा है, वो भी देखते हैं। सब आप सबके साथ मतलब सारी चीज़ें आप सबके साथ मिलकर शेयर करेंगे, जर्नी आपके साथ कंप्लीट करेंगे। इतना ही बोलूंगा, इस वीडियो को, इस ट्रैवल सीरीज को एंड तक जरूर से देखिएगा, बहुत मजा होने वाली होगी, जन्नत की तरफ जा रहे हैं भाई, मजा आएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रैवल सीरीज, स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा दिल्ली से कश्मीर के लिए, लेट्स गो। बैरिकेडिंग तैयारी हो गई चालू है तो कल की ना, और वो रोड तो बिल्कुल ही ब्लॉक कर दी शायद, देखो जरा वो फोर्स कितनी है भाई, रोड ही ब्लॉक कर दी वाली, तो यहाँ से वेलकम टू हरियाणा हो गया अपना, तो मतलब बेसिकली जो आ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है, अभी जाने वालों के लिए तो फिर भी निकल गए ना। हाँ जी गाइस, करनाल क्रॉस कर लिया और अंबाला यहाँ से बचा है 50-55 किलोमीटर समथिंग बचा है, और भाई आपने देखा था मतलब जब हम सिंघू बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पे फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट के लिए प्रिपरेशन चल रही थी, मतलब प्रिपरेशन क्या, पुलिस वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कल 13 फरवरी है और कल का अल्टीमेटम है, देखते हैं आगे भाई क्या रहता है। ट्रकों की कोई एंट्री नहीं है और पर्सनल का छोटी गाड़ी को निकाल रहे हैं, लेकिन कल से रूट डाइवर्ट कर देंगे, ऐसा कुछ सीन है। चलिए वो जो होगा सो होगा, फिलहाल अभी अपनी जर्नी की बात करते हैं, तो ये सीन है भाई 12 से ऊपर का टाइम हो चुका है और यहाँ पे एक चाय ब्रेक लिया है, जर्नी में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा ट्रैफिक व्रैफिक का लफड़ा था उसमें टाइम लग गया, बट इसके आगे कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ से एक बार अंबाला क्रॉस हो जाए ना, चंडीगढ़ में एंटर नहीं होंगे बेसिकली, अंबाला जब हम क्रॉस करेंगे चंडीगढ़ से अलग कट जाएगा और एक रास्ता अलग कटेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद एक जलंधर से अलग रास्ता कटेगा, वो भी आपको सब पूरा रास्ता आपके साथ ही करेंगे, बहुत लंबा सफर है भाई अभी तो। एक्चुअली अंदर इसलिए शूट कर रहा हूँ गाड़ी बैठ के ना, बाहर म्यूजिक चल रहा है, कॉपीराइट वगैरह का लफड़ा रहता है। चलो चलते हैं जी, देखो चल देना बहाने बाहर, ये लफड़ा है। ओ भाई गाना भी एक नंबर वाला चल गया, खाली कर दिए लेकिन सही है, सही है। पहली चाय मतलब ट्रिप की पहली चीयर्स चाय की, 12:38 पे ओफ कितनी लाइट है। चलो जी गाइस, सो 4 बज चुके हैं और अभी सीन ऐसा है कि चंडीगढ़ क्रॉस करके हम कहाँ है ये अभी कहाँ है क्या, वो एक्चुअली हुआ क्या, अंबाला एंटर करने जस्ट पहले रोड ब्लॉक किया हुआ था अभी फार्मर्स का चक्कर है ना कल, इस वजह से तो अंदर से घूमे बराला फिर पंचकुला होते चंडीगढ़ में घुसे, चंडीगढ़ पूरा पार करके फिर जो खरड़ बाईपास जो मनाली का रूट जाता है ना उसमें कनेक्ट करके अब यहाँ से रास्ता जाएगा वो लुधियाना फगवाड़ा जलंधर, उधर फिर जलंधर से कटेगा पठानकोट के लिए, तो हमारा कम से कम 2 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, तो ये सब चक्कर हो गया। और टाइम भी देख लो 4 बज गए, नहीं तो मेरा मैंने सोचा था कि मतलब एटलीस्ट 6 बजे तक तो हम जम्मू में टच कर जाएं, बट वो भी है नहीं, कितना टाइम लगेगा, क्या आगे रोड कंडीशन होगी, जम्मू में वहाँ पर रोड कंडीशन की भी दिक्कत है और टोल वोल जितने, क्योंकि टोल भी बहुत लग रहे हैं दवा के, वो सब वीडियो के एंड में बताएंगे अच्छे से।
फिलहाल यहाँ पे चाय ली है, आवाज भी भारी हो गई है। चाय मैंने रखा था किराया। एक ये रास्ता यहाँ से निकल गया ना सीधा मनाली के लिए, और यहाँ से हम अमृतसर वाले रूट पे आ जाएंगे ना, मनाली निकल गया था। तो अपने लैपटॉप में WAC डाउनलोड कर। चलो हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइज, और अपनी मॉर्निंग कुछ ऐसी हुई, 7:30 बज रहे हैं, और जो रूट डाइवर्ट होना यार पूरी रात ऐसे निकली, देखा व्लॉग मैंने रात में कुछ ढंग से किया नहीं, ढंग से क्या ही करता भाई, रूट डाइवर्ट हो रखे हैं, और वही फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से ना। तो ये हमें कनेक्ट किया अंदर अंदर से निकालते हुए सीधा यहाँ पे आपका जो जलंधर है ना, जलंधर बेसिकली आपको समझाता हूँ क्या रूट है। जो मेन रूट है वो ये है, अम्बाला आप आओगे, अम्बाला से आगे स्ट्रेट निकल जाओगे कश्मीर, और जो अमृतसर की तरफ रूट आता है, और उसके ऊपर जब आप चलोगे ना तो फगवाड़ा लुधियाना जब क्रॉस करते हो आगे निकलोगे, जलंधर है, जलंधर के पुल आता है उसके नीचे से हम कट लेते हैं जो पठानकोट की रोड पे उसके ऊपर है, तो डायरेक्ट हमें उसके ऊपर कनेक्ट किया। बेसिकली हमें जलंधर नहीं आया, हम अंदर से निकल के आए और यहाँ पे कनेक्ट करके मैप वगैरह लगा रखा था। तो अब मॉर्निंग हो गई है, यहाँ से ब्लॉग भी करेंगे, ड्राइव भी इंजॉय करूँगा, क्योंकि बस ये था कि भाई मेन रूट कनेक्ट कर जाए, थोड़ा ऐसा सीन था। ज़रा सामने का नज़ारा देखो एक बार, ये है वो रूट जो जलंधर के बाद से उसमें कनेक्ट होता है आपका पठानकोट के लिए, यही आगे जम्मू के लिए निकल जाता है। गाड़ी वहाँ पे खड़ी करी है, मैंने कहा थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, रुकते हैं, और सामने वहाँ से देखिए सनराइज हुआ है, बेहतरीन सुंदर। तो कुछ ऐसी मॉर्निंग हुई अपनी। सो गाइस यहाँ पे देखो ये दो रास्ते, एक इधर हम निकल जाएंगे जम्मू के लिए, और ये अमृतसर से आता है, अगर अमृतसर से आते हैं तो ये रोड में कनेक्ट करते हैं ये बेसिकली। वेलकम टू अमृतसर, पठानकोट लिखा हुआ है ना, ये अमृतसर से आ रही रोड, इधर से राइट लेके जम्मू। हाँ जी गाइस, तो टाइम हो चुका है 12:15, और भाई हमने जम्मू क्रॉस कर लिया था, जम्मू हमने क्रॉस करा, उसके बाद हमने क्या किया भाई, लिया ब्रेक और फ्रेश हुआ, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, मैं कहीं भी जाता हूँ जैसे फुल नाइट ड्राइव करना होती है तो मॉर्निंग में एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढता हूँ, वहाँ पे लेता हूँ ब्रेक, ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, फ्रेश भी हो जाते हैं, फिर अच्छा लगता है, फिर कोई टेंशन नहीं है। अब भाई मैंने पहले रुका यहाँ पे, मूड होया, फ्रेश फ्रूश हुआ एकदम बढ़िया से, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर आधा घंटा नींद भी निकाली क्योंकि हम 6 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मैं ही ड्राइव करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। तो आपको एक चीज़ नज़ारा दिखा दो, जहाँ हम रुके ना वहाँ से पूरी जम्मू सिटी का व्यू आता है, एंड ये देखो ये हाईवे है जो मेन हाईवे पे ऊपर हम ट्रैवल कर रहे हैं, जम्मू श्रीनगर हाईवे, माउंटेन स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ से आगे का जो नज़ारा आएगा ना बीच पे जहाँ जहाँ पे लैंडस्लाइड एरिया वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से गाड़ी इधर खड़ी है, पहले आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार। ये था बेसिकली भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर का एम्बियंस था, यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह किया हमने, पीछे से जो व्यू था भाई ये एक बार आप चेक करो भाई, स्पेशली मैंने कहा ये तो जरूर दिखाऊंगा मैं पूरा जम्मू सिटी का। मैं आपको समझाता हूँ, वो न्यू जम्मू है एंड ओल्ड जम्मू इस तरफ है, बीच में रिवर है जो जम्मू तवी रिवर है उसका नाम है, एंड इधर हाईवे, ये कुछ नज़ारा भाई, बेहतरीन नज़ारा। अब दिन भी हो गया है और रात में तो रूट डाइवर्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ, और यहाँ से 243 किलोमीटर समथिंग हो जाए अब आएगा। अब भाई फ्रेश, बाकी सब भी फ्रेश। चलो भाई अब रास्ता भी सुंदर लिखेगा ना, ऐसे बढ़िया है। यहाँ से कटरा का रास्ता कट गया और स्ट्रेट आपका श्रीनगर उधमपुर होते हुए पीछे कटरा का रास्ता कट गया, 20-25 किलोमीटर कटरा का यहाँ से रास्ता कट जाता है जो यहाँ 20-25 किलोमीटर पड़ता है, और यहाँ से अभी श्रीनगर है 220 किलोमीटर, और इसके बाद अभी पहले उधमपुर आएगा, उधमपुर क्रॉस करने के बाद एक चराई नर्सरी टनल आएगी जो सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, उसके बाद है जो मेन रूट है ना रामबन और बनिहाल वाला सेक्शन, जहाँ पे देखना है क्या सिचुएशन है भाई। गाइस ये उधमपुर क्रॉस कर रहे हैं बेसिकली हम, यहाँ से स्टेशन के लिए भी रास्ता है ये, इधर राइट में हम निकल जाएंगे श्रीनगर का।
ट्रेन से कश्मीर जाना होता तो बेसिकली उधमपुर आना पड़ता है, क्योंकि उधमपुर से आगे ट्रेन नहीं है। उधमपुर आती है ट्रेन, उधमपुर से फिर आपको बस या शेयरिंग टैक्सी यहाँ से मिल जाती है, वो आपको फिर बनिहाल ड्रॉप करती है जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर है, 3-3.5 घंटे का रास्ता। फिर बनिहाल से जो आइकॉनिक रूट है वो कश्मीर वैली ट्रेन जो है वो मिलती है, बनिहाल भी आएगा रास्ते में। बट उधमपुर अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करो तो यहाँ आके फिर यहाँ से शेयरिंग टैक्सी वगैरह वो आपको लेके जाती है इसी रूट से होते हुए बनिहाल। सो गाइस यहाँ से अब आएगी इस रूट की सबसे लॉन्गेस्ट टनल जो कि चनानी नाशरी टनल है, ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर की टनल है। और ये एक तरह से नया रूट बोल सकते हैं, इससे बहुत टाइम भी सेव हुआ है, रास्ता भी कम हुआ है। बस अभी स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, टोल आएगा पहले तो, उसके बाद टनल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट होगी चनानी नाशरी टनल, ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर लंबी टनल है, लॉन्गेस्ट टनल। चनानी नाशरी टनल से क्रॉस करने के बाद ना ये थोड़ा सा बीच बीच में कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, लैंडस्लाइड एरिया वगैरह, एंड ये लॉन्गेस्ट टनल है। इसमें ना ये कन्फ्यूजन थोड़ी हो जाती है कि अटल टनल को भी लॉन्गेस्ट बोलते हैं, लेकिन वो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट लॉन्गेस्ट, मतलब कि जो हाइट के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा लंबी टनल 10,000 फीट की हाइट में ना, तो वो एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। एंड जैसे पहले जो पुराना रूट था पटनी टॉप से होकर जाते थे, तो अगर आपको पटनी टॉप जाना है तो उसके लिए टनल स्टार्ट होने से पहले अलग से रास्ता कट जाता है, तो उस चीज़ का है। पहले पटनी टॉप होकर जाते थे, अब वो सारा बाहर से निकल जाता है, टनल से सारा शॉर्ट हो गया मतलब बेसिकली। और टनल क्रॉस करने के बाद अभी तो हाईवे है, अभी आगे रामबन का एरिया है जो सबसे ज़्यादा इस पूरे रूट में दिक्कत और थोड़ा डेंजर भी बोल सकते हैं तरह से। सो गाइस ये है वो जो रामबन का एरिया है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है वैसे तो कंस्ट्रक्शन चल रही है टनल की, इसीलिए जब भी ये हाईवे बंद होता तो इसी एरिया की वजह से होता है, सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड इधर इधर यहीं पर ही होती है। जब भी न्यूज़ सुनी जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया वो इस एरिया की वजह से होता है, जब भी हल्की थोड़ी सी बारिश होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, पूरा ब्लॉक हो जाता है एकदम। और विंटर्स के टाइम पे जब ऊपर स्नोफॉल होती है तो यहाँ पे ज़रूर बारिश होती है, तब तो वो दो दो तीन तीन दिन तक के लिए भी बंद हो जाता है। ये सामने सारा रामबन है पूरा अंदर से, लेकिन बाहर से इन्होंने हाईवे बनाया ना, नेशनल हाईवे बार बार से निकाल दिया, अंदर पहले अंदर जाना पड़ता था लेकिन बाहर से निकाल दिया पूरा ये चीज़। तो इस रूट पे बाय रोड तो जब भी ट्रैवल करना ना कर, ये हाईवे की तो अपडेट चेक करके ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत दिक्कत होती रही, काम चल रहा है टनल बन रही है, वो जब पूरा हो जाएगा तो फिर वो चीज़ें भी खत्म हो जाएगी। तो ये देखिए जैसे ये पहले ये भी नहीं था, अंदर से आते थे, ये भी बन गया तो इससे भी बहुत फ़ायदा हो गया, काम तो हो रहे हैं ऐसा नहीं है। सो गाइस बनिहाल क्रॉस करने के बाद लैंडस्केप भी चेंज होता है और हाईवे की कंडीशन भी कुछ ऐसी होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हाईवे भी और भी बेटर होगा एंड लैंडस्केप भी ऐसा होता है। अब श्रीनगर तक ऐसी रोड है, इससे बेटर ये बनती है। एंटर हो गए हम काजीकुंड बनिहाल टनल में, इस टनल क्रॉस करके हम कश्मीर वैली में एंटर हो जाएंगे बेसिकली। हां जी गाइस, तो काजीकुंड टनल क्रॉस करने के बाद आपने देखा ना कश्मीर वैली में एंटर हो जाते हैं, एंड ये हाईवे आपको देखने को मिलता है एक नंबर हाईवे श्रीनगर तक, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके ऊपर, उस साइड से आए एंड ये श्रीनगर की तरफ जा रहा है, और इसी पे आपको बीच में अनंतनाग देखने को मिलता है, आपका पंपोर देखने को मिलता है और पुलवामा भी आता है रास्ते में। तो ये कुछ सीन है, शाम के 6 बज चुके हैं भाई, क्या पता है क्या मतलब 1000 किलोमीटर से ऊपर हो गए, क्योंकि 900 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस है, उसके अलावा जो रूट डाइवर्ट हुआ पूरी रात उधर से इधर इधर से उधर, उसमें ज़्यादा दिक्कत होगी, नहीं तो अब तक तो हम पहुँच भी जाते। और अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ये जो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप ड्राइव करके जा रहे हो अपनी गाड़ी से और आपको ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करते भी, तो भाई जम्मू स्टे करना,
वो होता ही है कि जम्मू स्टे करके फिर नाइट में निकलते हैं, बट अपने को तो आदत है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, चलते रहते हैं। लेकिन मैंने ना ये नहीं ध्यान दिया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि वो रूट डाइवर्ट था, वो सब चक्कर में ना इतना टाइम लग गया। अब इन लोगों की क्योंकि इनको हैबिट नहीं है इन सबको, तो थोड़ा सा वो मिस मेरे से मेरे से मिसमैनेजमेंट है। बस चलिए कोई नहीं, एक घंटा लगेगा, पहुँच जाएंगे। एक लास्ट टी ब्रेक लिया था यहाँ पे जाते हुए बाहर का। हाँ जी गाइस, फाइनली श्रीनगर अपने होटल पहुंच चुका हूँ भाई। आप सबने देख ली जर्नी कैसे रही, और ये तो शुरुआत है, पहली वीडियो जर्नी थी। कल से हम शुरुआत करेंगे कश्मीर को अच्छे से एक्सप्लोर करने की। पहले आप होटल का रूम देखो, मतलब जो मैंने स्टे किया हुआ है, देखो दो रूम हमने लिए हैं, ये थोड़ा बिखर चुका है ये, ठीक है जी, ऐसा कुछ है। बेसिकली यहाँ से एंट्री होती है, तो ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है फर्स्ट इंप्रेशन, ऐसा इधर है। इसमें आपको कैटल भी मिल जाती है, इधर चाय कॉफ़ी बनाने के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, सब कुछ है। एंड वो कंट्रोल्ड है, मतलब वो आप कॉल करके बोलोगे तो हीटर उसमें इंक्लूडेड है, वो सारा सेट कर देते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। वॉशरूम इधर आपको इधर मिल जाता है, ऐसा वॉशरूम है, तो बढ़िया है सारी चीज़ें, एक नंबर। तो गाइस, इस वीडियो को एंड करने से पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे तीन चीज़ें शेयर करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ तो ये जो मैंने रास्ते में बोली थी कि अगर आप लोग इतनी लंबी ड्राइव या ट्रैवल मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं करते हो तो जम्मू स्टे करके ही आना। मैं भी यार फैमिली के साथ आया था, मेरे को भी करना चाहिए था, बट ये है कि अगर वो फार्मर्स वाला सीन नहीं हुआ होता तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते। एंड बनिहाल में जब रूट बन जाएगा, बनिहाल और रामबन के बीच में जो टर्न्स बन रही, फिर तो और ईजी हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मुझे शेयर कर रही है कि देखो, आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी, तो मैं ट्रैवल करता हूँ, खुद से प्लान करता हूँ, खुद से एक्सप्लोर करता हूँ। कश्मीर में पहले भी आ रखा हूँ, लेकिन इस बार मैं फैमिली के साथ आया हूँ। मैंने इस बार पैकेज लेके आया हूँ, पैकेज बेसिकली कंपनी है वेफोर ट्रैवल्स, ये मॉडिफाइड मतलब कस्टमाइज पैकेज आपके लिए बना के थे, जैसा आपको, जैसे कि देखो मैं अपनी गाड़ी से आया, अब यहाँ से सारी चीज़ें जैसे होटल है, हाउस बोट है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊंगा मैं, वो इंक्लूडेड है वो पैकेज में, मैंने बुक कराया इनसे। अगर आप लोगों को चाहिए तो ये आपको जैसे जम्मू से आपको पिक करा के वो सारा इंक्लूड करा देंगे गाड़ी से, अगर आपको दिल्ली से चाहिए, बाय फ्लाइट चाहिए, सारी चीज़ें तो वो कस्टमाइज जैसा आपको चाहिए वैसा देते हैं। ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने करा लिया, वैसे पैकेज देते हैं, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है। और फर्स्ट इंप्रेशन लगा कि भाई रूम बहुत अच्छा लगा, नीचे बुफे भी लगा हुआ, वो भी मैं अभी चल के दिखाऊंगा, सब लोग पहुंच चुके हैं, तो डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। होटल बहुत अच्छा, ऑन हाईवे है ये होटल, इसका नाम था होटल ओरिएंटल मैंशन, तो अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी सारी आने वाली वीडियोज में सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। कश्मीर के अंदर ना काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं, तो मैंने कहा चलिए पैकेज से सही रहता है कि एफर्ट नहीं बढ़ता, आराम से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। जी गाइस, तो मैं आ गया डिनर के लिए, यहाँ पे जो नीचे सेटअप है मैं आपको दिखाता हूँ भाई, कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पे, ये देखिए ऐसा कुछ है। ये रोटी तो आप सर्व करते हो टेबल के ऊपर ही ना, इसमें पनीर है, ये मेथी पनीर है बेसिकली, ये फिरनी, ये इन्होंने बताया सूजी की बनी होती है, स्वीट डिश है, इसमें गोभी की सब्जी है, थोड़ा थोड़ा ही खा रहा हूँ, राजमा है, एंड हेयर दो तरह के राइस हैं, स्टीम राइस एंड ये जीरा राइस, उधर सैलड है, नॉन वेज अगर खाना था उसमें है, इसमें सूप अवेलेबल है, एंड डाइनिंग एरिया, ब्रेकफास्ट भी इधर ही सर्व होगा। तो भाई मैं वैसे तो खा चुका हूँ डिनर करने के बाद, क्योंकि भूख लगी थी, देखो नॉन स्टॉप ट्रैवल करके आए थे। अभी मैं बताता हूँ भाई, खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था, एंड उससे भी अच्छा कि इतने अच्छे से मतलब सर्व किया, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।